महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर क्या हूं मैं। देखो आज तक जो आप हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं वो क्या सब सही है, क्या सब सही है, क्या आज तक आप इतनी एनसीईआरटी पढ़ी है, कितनी बुक्स पढ़ी है हिस्टोरियंस की, बड़े बड़े चाहे पुराने हो चाहे अभी के हिस्टोरियंस लिखते हैं, क्या सब सच है? देखिए एक मिथ बस्ट करता है, इंडियन हिस्ट्री में जो भी कुछ लिखा हुआ है इस पे बहुत तरीके के इन्फ्लुएंसेस आए हैं, मिसगाइडेड भी किए जाते हैं। तो आज हम मिसगाइडेड ना हो आने वाली जनरेशन के लिए, तो कुछ क्रिएशंस, कुछ क्रूशियल आस्पेक्ट यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिकॉज हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप क्रिटिकली सोचेंगे तो ज्यादा आपको फायदा पहुंचेगी। इंडियन हिस्ट्री में आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस का नाम तो सुना होगा, 326 BC की बात है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो ग्रीक्स बेसिकली एम्पायर का एक बहुत बड़ा राजा था, जो वर्ल्ड जीतने के लिए निकला था, पूरा विश्व जीतने के फिराक में था और दुनिया जीतने निकला था, और बहुत सी उसने का उस बहुत से एम्पायर भी उसने अपना बढ़ा लिया था, इंडिया के सरहद तक लेकर के आ गया था, ऐसा हम मानते हैं इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस में जो दूसरी तरफ उनको जो फेस कर रहे थे वो थे राजा पोरस, किंग पोरस। ये कश्मीर और उसके आसपास के रीजन के राजा थे, बहुत बड़ी सेना थी इनके पास, 300 से ज्यादा तो हाथी थे, उसके अलावा फुट सोल्जर्स, कैवेलरी, ये सब इनके पास थे। तो इस बैटल को बेसिकली लड़ा जाता है एंड कहा जाता है कि अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में इतना फ्रोशस बैटल होता है ये, और पोरस इसमें अंत में हार जाते हैं। अलेक्जेंडर पोरस की स्किल्स और उसकी ब्रेवरी से इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो उसे जिंदा पकड़ने चाहता था, है ना। तो जब किंग पोरस और अलेक्जेंडर का आमना सामना हुआ तो अलेक्जेंडर ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, हमको आपको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तब पोरस ने कहा था कि जैसे एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करता है। तो इस तरीके के नैरेटिव सुनकर के हम बड़े हुए हैं, इंडियन हिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन क्या यह सच है? क्योंकि इस चीज का प्राइमरी सोर्स भी नहीं, सेकेंडरी सोर्स अगर हम माने जाए इस चीज का, तो वो ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक हिस्टोरियंस के कुछ अकाउंट्स में इस चीज का रेफरेंस मिलता है। इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बोलता हूँ, कोई इसका अकाउंट नहीं है, कोई रिफरेंस भी नहीं मिलता है, ना ही इस बैटल का मिलता है, ना ही अलेक्जेंडर का अटैक का मिलता है, ना ही ये जो किंग पोरस है इनके बारे में हमको पता चलता है। तो इतनी बड़ी जो सेना थी, इतना बड़ा बैटल था, क्या कारण हो सकता है कि इसको बेसिकली या तो कंसिडर ही नहीं किया गया हो, है ना, या फिर ये बैटल हुआ ही नहीं हो। ठीक है, तो अब इसका क्या एक और स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, वो ये है कि इससे कुछ ही माइल्स दूरी पर तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी, और उसके थोड़े आगे जाते तो नालंदा। ठीक है, तो तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे, एंड उन्होंने फॉरेन ट्रेवल्स में इतना जबरदस्त तरीके से अपना अकाउंट लेके इंडियन हिस्ट्री को लेकर के कि लेकिन किसी भी अकाउंट में, किसी भी लाइब्रेरी की किसी भी बुक में, किसी भी नोट में मेंशन भी नहीं है कि बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस हुआ या फिर किंग पोरस करके कोई राजा हुआ करता था। वास्तविक जो पढ़ते आ रहे हैं वो सेकेंडरी सोर्स का एक नतीजा है, इंडिया में नैरेटिव बना करके पढ़ाया जा रहा है। क्या ये हमको आँख बंद करके पढ़ लेना चाहिए कि हर एक चीज? नहीं ना, तो क्रिटिकली सोचना बहुत जरूरी है, और ये मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो क्रिटिकली सोचें, क्वेश्चन करें, रिसर्च करें एंड शेयर करें जितना हो सके। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।